महासमुंद जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जिले में बारिश से जिले की नदी नाले उफान पर हैं, कई रास्ते बंद हो गए हैं। रास्ता बंद हो जाने के चलते ग्राम फिरगी में उफनते नाले से मरीज को कुर्सी पर बिठाकर ले जाना पड़ा। वहीं कोमाखान कुलिया मार्ग में उफान के चलते बहते पानी के बीच जब लोग रास्ता पार कर रहे थे, तभी अचानक भालू से सामना हो गया, जिससे लोग भयभीत हो गए। लाभदायक तो बहुत है सर, बारिश बहुत अच्छा हुई से, अभी रुक रुक के बारिश हुई से, एकर से बहुत फायदा है। कीट प्रकोप लगत रही से ओकर लिए भी बहुत बढ़िया है पानी है, और जो पानी गिरे है वह लगभग लगभग खेत मन में माड़ा थे पानी है। किसानी कार्य अब का है, पानी नहीं गिरत रही तो किसान दवाई खातू जो छीतना है रही से ओला बंद कर दे रही से, पानी नहीं गिरी तो काम अच्छी थी। तो अब बारिश हो है तो का है गति मिली खेती किसानी ला, और जोन धान में खातू डालना है दवाई डालना है ओकर काम है तेज गति से हो ही। किसान भाई मन खुश है, अभी दो चार दिन पानी गिरीस तो बहुत अच्छा साबित हुई सर। ओमा का है अभी धान पेड़ा ही मोटा ही, और डबल खातू भी मारबो हमन है, और अभी हरुणा धान है पोटरी पोटरावत है वह निकल ही बहुत, अभी आधा कुंवर तक चाहिए इसने बारिश। उमा का है सरना भी बचे है, सरना डरियात है कई गोलियात है, और हरुणा खर निकले की तैयारी हो गए है। उमा दूसरा अभी खातू डाले हने पानी में, और उमा दूसरा निंदाई चालू हो ही, और खातू भी डालना है और दवाई के छिड़काव करना है। उमा कते की इंतजार है इससे बारिश के? बहुत इंतजार है, लेकिन अभी 3 दिन में अच्छा अच्छा पानी गिरी से।